अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हाफिज़ा महविश तारी और आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन का और इसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नॉर्मलाइजेशन को और उनके स्टेप्स को। अब हम जो है अपने डेटा बेस को नॉर्मलाइज करने जा रहे हैं, तो हमने पहले जो है डेटा बेस में जो हमारा टेबल है डेटा बेस है उसको हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था कि हमारे पास जो डेटाबेस होगी वो एक रिपीटिंग ग्रुप्स में होगी। ठीक है, हमने क्या करना है उसके अंदर से डेटाबेस में से जो है रिपीटिंग ग्रुप्स जो होंगे या रिडंडेंसी डुप्लीकेशंस जो होंगी उनको रिमूव करना है। जब हम वो उनको रिमूव कर देंगे तो हमारे जो डेटाबेस है जो टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास दो स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन इज अ रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म डज नॉट कॉन्टेन अ रिपीटिंग ग्रुप। क्या है कि हमारा जो टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जो है कॉन्टेन करेगा रिपीटिंग ग्रुप को। ठीक है, यानी उसके अंदर रिपीटिंग ग्रुप मौजूद नहीं होने चाहिए। सेकेंड वन इज एवरी सेल इन अ रिलेशन मस्ट कॉन्टेन अन एटॉमिक वैल्यू, यानी कि हर जो सेल है टेबल के अंदर, ठीक है, जो बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। यानी कि डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, कोई ग्रुप रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट का ठीक है, उसमें जो है रोल नंबर है हमारे पास, फैमिली की है, नेम है, फादर नेम है और फोन नंबर है। ठीक है, अब हमारे पास फोन नंबर 123 है, नेम अली बिलाल उमर है, फादर नेम मेहमान चौधरी तारिक है। जबकि हमारे पास जो फोन नंबर है वो एक स्टूडेंट के दो फोन नंबर अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस टेबल के अंदर फोन नंबर डज नॉट कॉन्टेन एटॉमिक वैल्यू, हमारी जो ये कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही। देयर एग्जिस्ट रिपीटिंग ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे क्या है रिपीटिंग ग्रुप जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन है, हमने इसको अवॉइड करना है। अवॉइड दिस प्रॉब्लम टू डिवाइड द टेबल इनटू टू पार्ट्स, हम अपना जो टेबल है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ठीक है, एक फर्स्ट टेबल होगा हमारे पास, फर्स्ट हम लिख देते हैं क्या आ जाएगा रो नंबर। ठीक है, ठीक है, आएगा नेम और ठीक है आएगा फादर ने, ये क्या है हमारा एक फर्स्ट टेबल हो गया। 1 2 3 ठीक है, अली है, बिलाल है और उमर है। ठीक है, यहाँ से ही इनके फादर नेम आ जाएंगे, अहमद चौधरी और तारिक। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या है फर्स्ट टेबल हमने क्रिएट कर लिया है। हमारे पास यहाँ पे क्या है सेकंड टेबल। सेकेंड टेबल में क्या होगा हमारे पास रोल नंबर होंगे, ठीक है, और फोन नंबर होंगे। हम क्या करेंगे, अब ये जो रोल नंबर है यहाँ पे क्या था एज अ प्राइमरी की वर्क कर रहा है और यहाँ पे क्या हो जाएगा एज अ फॉरन की ये काम करेगा। तो अब ये कैसे करेंगे, 1 1 2 2 3 ठीक है, हमने क्या करना है रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करना है। इस तरह से आ जाएगा हमारे पास टेबल। अब जो लॉजिकल होंगे तो हम यहाँ पे रिपीटिंग ठीक है, और ये क्या कर रहा है हमारे जो रिपीटिंग ग्रुप्स हैं उनको रिमूव कर दिया है। ठीक है, और हम देख सकते हैं कि अब हमारे पास हर जो सेल है ये क्या है एक सेल है, हर जो सेल है उसमें एक यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। द प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्वड, ईच सेल इन द टेबल हैज एटॉमिक वैल्यू। इधर भी हम देख सकते हैं, ठीक है, इधर भी हमारे पास हर फील्ड में एटॉमिक वैल्यू है, कोई डुप्लीकेशन नहीं है, और इस टेबल में भी हमारे पास क्या है एटॉमिक वैल्यू है, कोई डुप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, एंड आल्सो देयर एग्जिस्ट नो रिपीटिंग ग्रुप्स, यानी कि हमारी ये वाली शिकायत भी दूर हो गई है और ये वाली भी जो हमारी शिकायत थी वो दूर हो चुकी है। तो ये हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, हमारा जो टेबल है वो अपनी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि हमने उसके अंदर से रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करना था जो कि हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।